हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है सामने रियलमी एक्स थ्री। आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलमी एक्स थ्री का गेमिंग रिव्यू कर बताऊंगा किस तरीके का आपको गेमिंग परफॉर्मेंस आपको रियलमी एक्स थ्री में देखने को मिलता है। अगर आप बात करते हैं रियलमी एक्स थ्री के प्रोसेसर की, तो आपको इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो यहाँ पर मैं आपको पबजी गेम प्ले कर बताऊंगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको क्लासिक का एक आपको मैप बता दूंगा, यानी कि क्लासिक मैप को किस तरह का आपको देखने को मिलता है व्यू बता दूंगा। देन उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टीडीएम मैच आपको खेलकर बताऊंगा, ताकि आप जल्द से जल्द आप इसका गेमिंग रिव्यू देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक्स बताता हूँ, आपको रियलमी एक्स थ्री में आपको क्या देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम आप खेल सकते हैं, और बैलेंस पे भी आप एक्सट्रीम आप फेवरेट करके खेल सकते हैं, एच डी पे भी आप एक्सट्रीम आप खेल सकते हैं, और एच डी आर पे भी आप एक्सट्रीम आप फेवरेट करके खेल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इसमें 855 प्लस आपको स्नैपड्रैगन देखने मिलता है, तो यहाँ पे आप हाई ग्राफिक्स पे भी आप आसानी से खेल सकते हैं। बट मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के लिए बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक क्लासिक मैच खेलते हैं यहाँ पे रैंगल में, अगर आप पबजी में, तो आपको किस इस तरह का व्यू देखने को मिलता है अगर आप रियलमी एक्स थ्री में अगर आप गेम खेलते हो। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मैं 855 प्लस स्नैपड्रैगन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे पबजी खेलता हूँ। तो यहाँ पे जिस किसी ने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई किया रियलमी एक्स थ्री में, तो वो कमेंट कर बता सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी एक्स थ्री में, ऑब्वियसली 855 प्लस आपको स्नैपड्रैगन है, तो आपको ऐसे ही एक थ्रू स्मूथ गेम प्ले आप बोल सकते हैं, जैसा कि हम लोग बोलते हैं स्मूथ गेम प्ले, तो आपको डैम श्योर आपको इसमें स्मूथ गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टीडीएम मैच खेलकर बताऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको व्यू बताने के बाद मैं यहाँ पे आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा, ताकि आप जल्द से जल्द इसका गेमिंग आप व्यू देख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलता है अगर आप टीडीएम मैच में खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ, एकदम टोटली स्मूथ आपको यहाँ पे गेम प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम के बाद मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट करूँगा, ताकि जल्द से जल्द आप मेरा यहाँ पे आप इसका रियलमी एक्स थ्री में आप गेमिंग परफॉर्मेंस देख सके।
यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे यानी कि बहुत ही इजीएस्ट बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे टीडीएम मैच में हमने विक्ट्री हासिल किए। ऑब्वियसली एमवीपी मैंने ही बनाया, पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको इस पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे कुछ बोलना तो नहीं है चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 855 प्लस स्नैपड्रैगन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा और स्मूथ सा आपको इस फ़ोन में गेम प्ले देखने को मिलता है विदाउट एनी डाउट। अगर आप गेमिंग के लिए भी 100% आप रियलमी एक्स थ्री आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे रियलमी एक्स थ्री लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे लिए भी कि यहाँ पे आपको गेमिंग प्रोसेसर आपको 855 प्लस स्नैपड्रैगन आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो आप आसानी से आराम से आप ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। And again, thanks for watching.